हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मूवीज के कुछ फनी सीन्स, जिसको देख के आप लोग के होश उड़ जाएंगे और आप लोग बोलेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो चलो आ जाओ, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सीन यहाँ पर एक लड़की के बाप को कुछ गुंडे मार रहे हैं, तो चलो आ जाओ देखते हैं आगे क्या होता है। ये सब तेरी बेटी की खूबसूरती को फ्री में देख रहा है, अपन इसका बदन ढक देता है। नहीं खमाटा, आधे कपड़े पहनकर भी इसकी शादी नहीं हो पा रही, पूरे कपड़े पहनाकर इसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। अरे कैसे बाप हो अंकल, आप तो अपने बेटी की इज्जत ही लेने पे तुले हो। बताओ इस मूवी में मैंने पहली बार ऐसे शरीफ विलन को देखा है, जो बेचारा लड़की को कपड़ा पहनाने में लगा हुआ है और एक तरफ उसका बाप उसका कपड़ा उतारने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ राइटर न जाने कौन से जंगल का धतू रखा के स्क्रिप्ट लिखने में लगा हुआ है। बताओ, लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको बिना कपड़े का घुमाएंगे, वाह क्या सोच है रे तेरी। चलो अब आगे देखते हैं। पता है पहले के जो मम्मी लोग होती थी ना, पहले के मूवीज में जो बहुत ही ज्यादा लापरवाह होती थी, जैसे कि ये मम्मी को ही देख लो आप। गंगा नदी का पुल आ रहा है, मालिक का नाम लेकर इसकी लाश को गंगा नदी में बहा दो। क्या हुआ? मैंने इसी तो बच्ची को फेंक दिया। क्या चिट्ठी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि बताओ बेचारे बच्चे को तो तुमने फेंक दिया, लेकिन बताओ मम्मी को इतना तक नहीं पता है कि वो कौन से बच्चे को फेंक रही है और कौन से बच्चे को रख रही है। अरे मम्मी जी, ले जाते वक्त तो देखे रहोगे ना कौन सा बच्चा मैं लेके जा रही हूँ। हे भगवान, ऐसा क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो आगे देखते। तो क्लिप चालू करने से पहले एक बात बोलूंगा, आप लोगों ने लड़का और लड़की का प्रेम तो देखा होगा, लेकिन यहाँ पर पुरुष और पुरुष का प्रेम देखो। चलो तुम मेरा कान क्यों चूम रहे हो? क्योंकि तुम्हारे कान तुम्हारे होंठ से ज्यादा टेस्टी है। तुम्हारा दूसरा हाथ कहाँ है? दो तकियों के बीच में है। नारायण दास, वो तकिए नहीं है। हे भगवान, आप लोग इनके बारे में दो शब्द बोल दीजिए, अभी मैं क्या ही बोलूं। खत्म। सो गाइस, आई होप आप लोग को मजा आया होगा वीडियो देखकर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।